है फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? शुभ गुरुवार आप सभी को। आज गुरुवार था तो आज मैं सोची कि आज तो हमको तैयार होकर पूजा करना ही था, तो हम क्यों ना आज एक दो वीडियो बना लें। तो वीडियो बनाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई, वरना मैं सुबह ही में आज ब्लॉग तैयार करती, क्योंकि मुझे ना आज ब्लॉग बनाना था अपने बेटा की वजह से। बेटा हमारा पहुँच गया अच्छी तरह से और हम भी इस बार बहुत बहुत ठीक हैं और खुश भी है, क्योंकि वो अच्छे से रह रहा है। जाने के बाद भी वो दुखी नहीं है, ठीक है वो भी, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम में बहुत दिक्कत हुई थी, तो उस वजह से हम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। और इस बार लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिख रहे गाइस, हमको गजरा लगाए हैं ना, ये गजरा है ना बार बार हमारे आगे आ जाता है, अच्छे रखते तो वापस से आ जाता है। हाँ, तो वो उसको इस बार दिक्कत नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, वो आराम से रह रहा है, तो हमको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे, बस यही चाहते हैं माँ बाप। तो हाँ, जाते टाइम हमारा हालत थोड़ा बुरा हुआ था, क्योंकि उसका मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारा कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा हो गया जब वो घर से निकला। तो ठीक है, हम इस बार हम भी ठीक हैं और शिवम भी इस बार इसीलिए ठीक था, बोल भी रहा था कि मम्मी अब तो आदत हो गई है भाई जी के बिना रहने की, क्योंकि भाई जी को तो अब जाना ही रहता है, अभी वो आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, तो अब पता है कि अब हमको हम तीन लोग को रहना है यहाँ पे। तो इस वजह से हमारा स्थिति ठीक था, हम भी उतना नहीं रोए और हमको उतना फील नहीं हुआ जितना पहले बार फील हुआ था। बात सही बोला था, हमारा भी यही हाल था। तो और ऐसा है कि हम अपने बारे में बताते हैं आप लोगों को, कि आप लोग जो ऐसे लिखते हैं ना, बहुत घमंडी है, बात नहीं करती है, रिप्लाई नहीं करती है, लाइक नहीं करती है, तो ये सब तो लिखते ही लिखते हैं। और एक दो हमारे जो फैमिली है इंस्टाग्राम के, यूट्यूब का तो ज़्यादा मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ का मैसेज पढ़ती हूँ कि इनको कुछ काम ही नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं है, बस वीडियो बनाना है तो और कुछ काम नहीं है, जब तब देखो वीडियो बना के अपलोड करती। तो भैया मैं वीडियो बनाना भी मैं बहुत बड़ा काम समझती हूँ। काम इसलिए है कि आज व्रत था हमारा और अभी 3:30 बज रहे हैं, अब सोचिए अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया है और हम पूजा करके उठते और आराम करने चले जाते, आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोए रहते, क्या दिक्कत थी हमको, क्यों हम इस वीडियो के चक्कर में बैठे हुए हैं? आप लोग अगर ख़राब कमेंट करेंगे तो मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये कैसे सोच लेते हैं इनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, काम बहुत नहीं है, क्योंकि दो दो बच्चे अब बाहर रहते हैं, छोटे थे तो बहुत समस्या होती थी, टाइम तो मैं उस टाइम भी अपने लिए निकाल लेती थी। हस्बैंड जब जॉब पे बाहर चले जाते काम पे, बच्चे घर में स्कूल चले जाते हैं, और क्या औरत बस रसोई भर में ही रहे या तो कपड़ा धोते रहे, बस काम ही करे, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती है। और टाइम निकाले कब, जब वो खुद के लिए टाइम निकालती है, जैसे कि सोने के लिए। किसी पहले तो ऐसा होता था ना, किसी लेडी से हम जाके गप्पे मार रहे हो, चार लेडी जहाँ बैठी वहाँ जाके गप मार लो, तो वो तो आपके लिए ही टाइम निकला, क्योंकि आप घर में से निकाल के टाइम तो नहीं गए बैठने के लिए, वो आपका अपना टाइम है। तो हम कहीं पे नहीं बैठते, हमारी कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं अड़ोसी पड़ोसी के पास हम बैठते, हम कहीं नहीं जाते, हम इधर उधर मार्केट भी नहीं घूमते टहलते, कोई काम बहुत ज़रूरी रहता है जिसमें हमको जाना ही रहता है तो ही हम बाहर निकलते हैं, और जो हमारे जाए बिना ही काम हो जाता है तो हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। जब इनको बोल देते हैं, वो मार्केट से सामान ला ही देते हैं, तो हमको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। बात हो गई अड़ोसी पड़ोसी, हम यहाँ पे किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, क्योंकि क्या होता है हम लेडीज़ लोगों में, मतलब बात करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ बात मुँह से निकल जाए कि अब वो क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, तो ये चीज़ से हमको बहुत डर लगता है और हमारे पति देव भी बहुत डरते हैं। तो ये सब झंझट से दूर है कि हम क्यों ना अपना टाइम जो होता है, हमको अपना टाइम जो मिलता है वो हम वीडियो के लिए दें। वीडियो के लिए देने से क्या होता है कि आप ही लोग बोलते तो बुरा है, लेकिन देखते देखने के लिए तो बैठते हैं ना,
जब बैठते हैं इंस्टाग्राम खोलते हैं और रील्स ऐसे 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 करते हैं, तब आपके पास कहाँ से टाइम आता है कि आप भर दिन रील्स बैठ के देखते रहते हैं? आप भी तो टाइम निकाल के देखते हैं ना, आप भी इसलिए देखते हैं कि काम से मन थका रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो रिलैक्स जब आदमी होता है, बैठता है कहीं शांति से चाय पीता है, तो ऐसे ऐसे रील्स खोल के देखता रहता है ऐसे ऐसे, और रील्स देखता है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, और उसमें गलत कमेंट लिख देते हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। भाई काम बहुत रहता है, पूछिए, अगर काम करने लगूँ और भगवान ने सही किया जो रात बनाए हैं, अगर रात ना बनता ना तो इंसान काम करते करते परेशान हो जाता, वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता आराम करने के लिए। तो रात अच्छा हुआ कि रात बनाए, वरना दिन भर काम करते करते आदमी पागल ही हो जाता, अपना भी नाम भूल जाता कि मेरा नाम क्या है। तो टाइम होता नहीं किसी के पास, निकालना पड़ता है। हम इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे जाते हैं किचन में, खाना पका लेते हैं, पूजा पाठ नहा वहा के पूजा पाठ करके, और खाना खा के किसी दिन मन ऐसे आलस हो जाता है, मन नहीं करता है कि वीडियो सीडियो क्या बनाए, ड्राफ का वीडियो डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ ड्राफ का वीडियो भी डालूंगी ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारा काम है, हमको करना है, हम क्यों आलस दिखाएं, हमको करना है, हम क्यों जाए सोने के लिए? क्या हम वीडियो दो चार बना के नहीं सो सकते हैं? और एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे सोना मेरे लिए बहुत खास चीज़ है, सोना मुझे बहुत पसंद है, और नहीं सोती हूँ तो मैं थोड़ा वो क्या बोलते हैं टेंशन में आ जाती हूँ कि यार आज मैं सोई नहीं, इतना क्या काम कि मैं सोई नहीं। तो और जिस दिन वीडियो बनाती हूँ वो भी तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ, उस दिन सो नहीं पाती हूँ, उस दिन इसलिए सो नहीं पाती हूँ, तैयार होने में भी टाइम लगता है, उसके बाद मेकअप उतारने में भी टाइम लगता है, वीडियो में सिलेक्ट कौन सा गाना करूँ, कौन सा मुझे बहुत पसंद है, कौन सा ठीक ठीक है, कौन से बनाने का मूड है, कौन से बनाने का मूड नहीं है। कभी कभी मन बहुत खुश रहता है तो सैड सॉन्ग पसंद नहीं पड़ता बनाना, और कभी कभी मूड सैड रहता है तो तब सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है सुनना और बनाना भी। तो ऐसा ऐसा है हम लेडीज लोगों का लाइफ। तो प्लीज़ आप लोग उतना बोर मत दिखाइए कि ऐसे क्या वीडियो बनाती रहती है। भाई वीडियो नहीं आपको देखना है तो आप रील्स क्यों खोलते हैं? अपना इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए और जाइए, न्यूज़ बहुत अच्छा अच्छा आता है, यूट्यूब पे फिल्में देखिए। फिल्में वालों को तो आप लोग नहीं बोलेंगे कि इनके पास कोई काम नहीं, उन लोगों को तो भर भर के तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या फिल्म बनाती है, क्या ये वो, उनको भी मेहनत पड़ता है। हम छोटे पर्दे वालों को भी बहुत मेहनत पड़ता है, छोटे से पर्दे पे भी हम लोग काम करते हैं, हमारा स्टूडियो अपना हाथ का बना रहता है, डायरेक्टर भी हम खुद रहते हैं, कैमरामैन भी हम खुद रहते हैं, एडिटर भी हम खुद रहते हैं, भले एडिट हमारा बेटा करता है लेकिन उसके साथ हम बैठ के दिखाते तो रहते हैं ना, ऐसा करो, इसको काटो, उसको काटो, इसको, मतलब हम मेहनत करते हैं। भाई आप लोग थोड़ा सा उसका प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा तो हमको बहुत मिलता है, लेकिन हम अपने लिए ही नहीं बोलते हैं, हम अपने साथ साथ जो हम इस प्लेटफॉर्म पे औरत लोग हैं ना, वो उन सब बहनों को बोलते हैं, आप लोग प्लीज़ उन लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मनोत्साह बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए। हाँ, तो उससे क्या होता है, उन लोगों को अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और जब हमारी सासू माँ जब हमारा वीडियो देखती है ना, और जब बोलती है कि आज आपका वीडियो चला, बाय चांस ही वो वीडियो देखती है, क्योंकि उनको ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन नहीं चलाती वो ज़्यादा, तो जब देखती है ना वो मेरा वीडियो, तो वो जब हम बात करते हैं उनसे तो बोलती है कि कन्या आज मैं आपका वीडियो देखी, हमको बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा बनाती हो, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट, खास करके जब आपके बुज़ुर्ग आपको ऐसा बोले तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप लोग भी अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, ऐसे ही नहीं बना लेते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाने के लिए ना, अब क्या बताएं आप लोगों को, अब खुद करके देखिए ना आप लोगों को क्या लगता है कि आसान है इतना? कुछ आसान नहीं है, कुछ आसान नहीं है दुनिया में, बस वो जज्बा रहना चाहिए कुछ भी करने का। तो आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट मत किया कीजिए किसी को भी, हमको नहीं मिलता ज़्यादा गलत कमेंट हमको नहीं मिलता है ज़्यादा, लेकिन बहुत लोगों के वीडियो पे देखती हूँ लोग कुछ भी लिखते हैं, घर का वीडियो भी लोग ब्लॉगिंग करता है, अपना पर्सनल लाइफ दिखाता है, तो आप लोग गलत कमेंट करते हैं। भाई गलत कमेंट क्यों करते हैं? उन लोगों को बोलने में अच्छा लगता है तो आप लोगों को देखने में क्यों नहीं अच्छा लगता है? आप लोग देखिए बिंदास क्या जाता है, अब तो यही है, इसी चीज़ को देखना है आप लोगों को, इसी चीज़ को समझना है और कुछ नहीं, क्योंकि हर इंसान अब बिज़ी रहना चाहता है, कोई फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है। हम भी हमेशा बिज़ी रहते हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। आज एक महीना पे मैं अपनी मम्मी से बात की हूँ, मैं अपनी सासू माँ से डेली बात करती हूँ,
क्योंकि उनका लोकल कॉल लगता है तो उनसे डेली बात करती हूँ। लेकिन मम्मी से मैं एक महीने के बाद बात किया, बात की तो बहुत देर तक बात की, तो उनके लिए टाइम निकाली तो मुझे पूजा में टाइम लग गया। तो यही होता है हम लोगों के साथ कि किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो तो वो हमको अपना टाइम उसमें मिलाना पड़ता है, फिर हम रात तक बिजी रहते हैं ज़्यादातर, तो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, एक ही बार रात में आराम से सोते। तो हम लोगों का जीवन आसान जीवन नहीं है। अगर आप लोगों का जीवन भी, मतलब जेंट्स लोगों को बोलती हूँ, आप लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है ना, तो हम लेडीज़ लोगों का भी जीवन बहुत मुश्किल है। बस दिखाई ये पड़ता है कि हम लोग सज धज के बैठ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, और काम ही क्या है, काम ये भी बहुत बड़ा काम है भैया। आप लोग थोड़ा हमारे जगह पे रह के सोचिए, अब बहुत पका लिया हम आप लोगों को। तो अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, कुछ अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग को अगर कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ टॉपिक जानना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा आप लोग, यूट्यूब का मैसेज मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो देखती हूँ कभी बाई चांस देखती हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज रहते हैं ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा कि इस टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी ब्लॉग। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।